नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज अप टू डेट पर। यहाँ पे मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ, आपका नॉलेज अपडेट होता रहता है और रिवीजन भी हो जाता है। तो आज हमारे एक साथी ने बताया कि क्या लाइन कॉन्ट्रैक्टर, मैंने एक वीडियो बनाया था तो जिसमें बताया था कि जरूरत पड़े तो सभी लाइन कॉन्ट्रैक्टर को वेज किया जा सकता है। तो एक साथी ने तो आश्चर्य व्यक्त किया, हाउ कैन इट पॉसिबल, सभी लाइन कॉन्ट्रैक्टर को कैसे वेज कर देंगे। तो हाँ जी, बिल्कुल सभी लाइन कॉन्ट्रैक्टर को वेज कर सकते हैं। फिर दूसरे साथी ने कमेंट किया कि हमारे पास में जो वेजिंग क्लैंप है वो तो दो ही रहते हैं, तो फिर छह को कैसे वेज करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर आपके पास में वेजिंग क्लैंप एक्स्ट्रा है, कई लोग रखते हैं, तो आप वेज कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास में वेजिंग क्लैंप नहीं है तो लाइन कॉन्ट्रैक्टर को देखिए कि लाइन कॉन्ट्रैक्टर किस टाइप का। अगर वो रोटेक्स टाइप का है तो उसमें वो स्क्रू वाला सिस्टम होता है, पेचकस लेके स्क्रू को ऐसे दबाया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, वो वेज हो गया, बस वहां वेजिंग क्लैंप की जरूरत नहीं रहती है। आजकल कई वीपीटी कॉन्ट्रैक्ट जो है, वीपीटी के इलेक्ट्रॉल, वो भी इसी टाइप के आने लग गए, रोटेक्स टाइप के। तो उनको वेज करना बड़ा आसान है, एकदम खाली ऐसे दबाया, स्क्रू घुमा दिया, बस हो गया वेज। तो इस प्रकार वेज कर सकते हैं। और अगर उस टाइप का नहीं है तो जितने वेजिंग प्लेंग क्लैंप है उतना लाइन कॉन्ट्रैक्टर को वेज कर दीजिए, सेक्शन क्लियर कीजिए, टीएलसी से सहायता मांगिए। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। दूसरे साथी ने एक सवाल किया कि लाइन कॉन्ट्रैक्टर में अर्थ फॉल्ट हो जाए तो क्या होगा। उनका पूछने का मतलब मैं समझ गया, क्योंकि लाइन कॉन्ट्रैक्टर में दो सप्लाई रहती है। इसी प्रकार हमारे जो टीके पैनल पर ईएम कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए, उसमें भी दो सप्लाई रहती है, तो दो सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो लाइन कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं तो लाइन कॉन्ट्रैक्टर में दो सप्लाई कौन सी है। एक तो है 110 वोल्ट का जो बैटरी वोल्टेज रहता है, वो उसके कॉइल में रहता है, वो लाइन कॉन्ट्रैक्टर को ओपन क्लोज कराने के काम आती है वो सप्लाई। और दूसरी होती है वो जो ट्रैक्शन की सप्लाई, जो 600 वोल्ट, 700 वोल्ट, 750 वोल्ट भी रहते हैं किसी किसी लोगों में, वो सप्लाई उसमें से जाती है, करंट भी पास होता है, वोल्टेज भी पास होता है, वो सप्लाई उसमें से जाती है लाइन कॉन्ट्रैक्टर से होकर। तो एक होता हो गया हाई टेंशन पार्ट और एक हो गया लो टेंशन पार्ट। तो जो लो टेंशन पार्ट है वो कॉइल वाला है, तो कॉइल में सप्लाई अपन जानते हैं 110 वोल्ट बैटरी की है, तो उसको कॉइल को सप्लाई फ्यूज से दी हुई है। तो सभी लाइन कॉन्ट्रैक्टर, सभी शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर, रिवर्सर, सीटीएफ, सब में कॉइल होती है, उसमें 110 वोल्ट की सप्लाई रहती है, उसको सीसीपीटी फ्यूज से सप्लाई दी हुई है। तो अब जब भी कॉइल में कभी अर्थ फॉल्ट होगा तो सीसीपीटी फ्यूज मेल्ट होगा। और अगर हाई टेंशन वाली सप्लाई में कहीं अर्थ फॉल्ट हुआ, जैसे कॉन्ट्रैक्टर जहां से कॉन्टेक्ट लगता है ना वहां कभी हुआ, या फिर इसे इनपुट या आउटपुट के वायर में कभी अर्थ फॉल्ट हुआ, तो फिर क्यूओपी जो रिले है वो ड्रॉप होगी, जो पावर सर्किट की अर्थ फॉल्ट रिले है वो ड्रॉप होगी। तो जो भी रिले ड्रॉप होती है खराबी, उस हिसाब से हमें चेक करनी पड़ती है कि कहां खराबी है। इसी प्रकार ईएम कॉन्ट्रैक्टर में भी है, जो टीके पैनल पर लगे हुए हैं वह कॉइल में होगी तो सीसीए मेल्ट होगा, और जब कॉन्ट्रैक्टर में होगी हाई टेंशन में 380 वोल्ट या 415 वोल्ट में, तो फिर क्यूओए रिले ड्रॉप होगी। तो इस प्रकार की ट्रबल शूटिंग हमें करनी पड़ती है। मुझे को ऐसा लगता है कि अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहां अर्थ फॉल्ट होता है तो क्या किया जा सकता है। तो यहां मैंने दो बातें बताई, एक तो क्या लाइन कॉन्ट्रैक्टर सभी को वेज कर सकते हैं, और दूसरी जो है वो लाइन कॉन्ट्रैक्टर में अर्थ फॉल्ट हो तो कहां अर्थ फॉल्ट हो और क्या होगा, ये दोनों बातें आपको बताई। दोनों बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट करके अवश्य बताना, और वीडियो को लाइक करना। लाइक करने से लाइक के बटन का कलर चेंज हो जाता है, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने इस वीडियो को देख लिया है, ताकि फिर दूसरे वीडियो को आप देखें। एक एक करके जब वीडियो को देख लेंगे तो आपका नॉलेज परफेक्ट होता जाएगा। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मैंने टॉपिक वाइज वीडियो जमा कर रखे हैं। तो जब आप सब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मेरा ईमेल का एड्रेस कई लोग पूछते हैं, तो ईमेल का एड्रेस सभी वीडियो में, फिर बोलता हूं, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, या यूट्यूब पे जाएंगे जो अबाउट वाला पोर्शन है उसमें भी दिया हुआ है। तो आप लोग यूट्यूब देखना भी सीखिए, कैसे देखा जाता है, क्या क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा रहता है, प्लेलिस्ट कहाँ होती है, अबाउट कहाँ होता है, वो सब आप लोग सीखिए। पढ़े लिखे लोगों को ये सब सीखना चाहिए। होता है क्या, लोग बाग जो सामने आया वीडियो उसी को क्लिक किया, देख लिया जयराम जी की, बस फिर इसके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।